हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा इंटरैक्टिव में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था 11th रसायन में, आपको टॉपिक चला था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी किया था गेलुसक के गैसीय आयतन के नियम। गेलुसक का गैसीय आयतन के नियम यानी कि लॉ था एक, जिसमें गेलुसक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। तो उस वीडियो पर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर कंसेप्ट में समझ आ जाएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह डेली आपको 11th रसायन का लेक्चर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आप घर बैठे स्टडी करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो लॉ। तो आप जानेंगे कि एवोगाड्रो नियम क्या है, चूंकि आपके नाम से ही पता लग जा रहा है कि एवोगाड्रो क्या होता है। एवोगाड्रो एक वैज्ञानिक का क्या है, नाम है। एवोगाड्रो नियम ही लिखा हुआ था, चूंकि इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम पर ही इस रूल को दिया गया है, यानी कि एवोगाड्रो नियम। तो यह नियम है जिसको प्रतिपादन किया था एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक ने, वो भी सन 1811 ईस्वी में, सन 1811 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के रसायनज्ञ हैं, ठीक है, इटली के रसायनज्ञ किसने, एवोगाड्रो ने, इटली के रसायनज्ञ एवोगाड्रो ने इस नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया, इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी कि सन 1811 इसमें इटली के रसायनज्ञ, इटली के केमिस्ट इस नियम को क्या किया, प्रतिपादन किया, इस नियम का डिराइव किया। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम यही कहता है कि इस नियम के अनुसार, हमने देखा कि सन 1811 ईस्वी में इटली के रसायनज्ञ एवोगाड्रो ने इस नियम को क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ये नियम क्या कहता है कि यह नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं दाब पर, ठीक है, इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। क्लियर, इसका मतलब हुआ कि नियम यही कहता है कि अगर टेम्परेचर भी सेम हो, प्रेशर भी सेम हो, और किसी गैस के लिए अगर दो हो, तीन हो, जितना भी गैस हो उसके लिए अगर उसका क्या हो, वैल्यूम भी सेम हो तो गैस के जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वह क्या होता है, इक्वल होता है, गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी यह कहता है कि समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, समान वैल्यूम में, सेम वैल्यूम में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैस होगा वह क्या होता है, इक्वल होता है, यानी गैसों के अणुओं की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि गैसों का आयतन जो होता है, गैसों का आयतन जो होगा अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या की क्या होगी, समानुपाती, अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। क्लियर, इसका मतलब है गैस का जो वैल्यूम होता है वह गैसों की अणुओं की संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर आपका आयतन क्या हो, भी हो, और अणुओं की संख्या क्या हो, एन हो, तो क्या हो जाएगा, यदि गैस का आयतन भी तथा
अणुओं की संख्या क्या हो n हो तो क्या हो जाएगा v समानुपाती n यानी कि आयतन जो होगा प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस यानी कि भी संपाति क्या हो गया एन इसको अगर हम भी इक्वल करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा के एन और भी बाई एन करेंगे तो आएगा आपका क्या के यानी कि भी बाई एन बराबर एक क्या आ गया कांस्टेंट आ गया एक क्या आ गया आपका स्थिरांक आ गया क्लियर। ये आप देखेंगे कि दो गैसों के लिए किस तरह क्या करता है काम करता है। यहाँ पर देखा हमने कि भी समानुपातिक क्या होता है यानी कि गैसों का आयतन जो होगा अणुओं की संख्या की मोलों के समानुपातिक क्या होगा समानुपातिक होता है यानी कि भी बाई एन बराबर हमने क्या किया के कर लिया ठीक है। यहाँ पर क्लियर पढ़ लेंगे कि संख्या के क्या होता है समानुपातिक होती है। यदि गैस का आयतन भी था अणुओं की संख्या एन हो तो भी समानुपातिक एन। अब अगर हम दो गैसों पर बात करें ठीक है हमने क्या देखा हमने देखा कि भी समानुपाती एन आया और आपका भी बाय एन बराबर क्या आया के आया ठीक है। यदि दो गैसों का आयतन क्रमशः भी वन तथा भी टू हो तथा उनके अणुओं की संख्या n1 तथा n2 हो ठीक है। यदि दो गैसों के लिए बात किया जाए कि दो गैसों का अगर वैल्यू अगर v1 और v2 हो और उनके गैसों की जो मॉलिक्यूल्स नंबर होंगे अगर n1 और n2 हो तो हम क्या कह सकते हैं इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं V1 by N1 बराबर V2 by N2 क्लियर। V1 by यह चूंकि ये सबके लिए है यहाँ पर 1-1 V1 by N1 और V2 by N2 ये आप आ गया इतना। अब चूंकि V1 बराबर क्या होता है V2 तो क्या हो जाएगा N1 बराबर N2 क्लियर। यानी कि अगर दो गैसों का आयतन अगर समान हो तो मॉलिक्यूल का भी संख्या भी क्या आ रहा है समान आ रहा है यानी कि दो गैसों का वैल्यू अगर यहाँ पर समान हो जाए तो उनकी गैसों के अणुओं की संख्या भी क्या आ जाएगी समान आ जा रहा है इसलिए कहता है N1 बराबर N2 यही कहता है कि समान ताप एवं दाब पर समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या क्या होती है समान होती है यही आपका एवोगाड्रो का क्या है नियम है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।